गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू योर चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी, चैप्टर नंबर 18 ऑफ क्लास 7th। तो देखिए, अभी तक हमने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बिकम एन एक्टिव सिटीज़न। वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वेस्ट जनरेशन मतलब वेस्ट चीज़ का कोई प्रोडक्शन होना नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का। मतलब ह्यूमंस, हम लोग जो भी काम करते हैं ना, वो हर चीज़ क्या करती है, वेस्ट की डेवलपमेंट करती है। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वांटिटी, मतलब उसका जो अमाउंट है, उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। और साथ ही ये भी डिक्रीज़ कर सकते हैं कि जो वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी एक्टिविटीज से, वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है, समझ रहे हैं? बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जिनको डिग्रेड किया जा सकता है, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके लिए हार्मफुल नहीं होती। ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाई ऑफेंसिव स्मेल। कई बार हमें क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल आती है, गंध आती है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन इज़ डिस्गस्टिंग। जो ओपन कूड़ेदान वगैरह होते हैं ना, उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी होती है। द सिचुएशन वर्सन इन द रेनी सीजन। और जब बरसात का मौसम होता है तब तो जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। वेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवर फ्लोइंग। जब ये जो मतलब जो सीवर वगैरह होते हैं या हमारा जो कूड़ा डला होता है जिनके अंदर, वो जब ओवरफ्लो करने लगते हैं ना, उस वक्त रेनी सीज़न में ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, क्योंकि वो स्मेल आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वी हैव टू वेट थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स। हमें कहाँ से गुजरना पड़ता है, जो गंदगी के जो मतलब गंदा पानी भरा हुआ होता है रोड पर, उसे गुजरना पड़ता है। मोस्ट अनहाइजेनिक अनसेनेटरी कंडीशन प्रीवेल्स। और उस वक्त जो कंडीशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, अनहाइजेनिक, मतलब एक तरीके से जब जहाँ जिस जगह पर साफ़ सफाई नहीं होती ना, वो अनहाइजेनिक होता है। ठीक है, और अनसैनिटरी कंडीशन होती है, मतलब बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं होती, गंदगी फैली हुई होती है। फ्लाइज़ मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट। और जो फ्लाइज़ हैं, मक्खियाँ हैं और मच्छर जो हैं वो वहाँ, और इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो ब्रीड करते हैं। ब्रीड का मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। यू कैन बी एन इनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्युनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत। आप एक मतलब जागरूक नागरिक की तरह क्या कर सकते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, अगर आप कहीं किसी सिटी में रहते हैं तो म्युनिसिपैलिटी जो है उसको अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो ग्राम पंचायत होती है उसको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ये इस जगह की सफाई होनी चाहिए। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। कि जो ओपन जो ये सीवर वगैरह हैं, जो ओपन पड़े हैं, उनको बंद करें। इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। अगर किसी पर्टिकुलर हाउस का सीवर जो है वो ओपन है और उससे पड़ोस जो है वो ख़राब हो रहा है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो दूसरों की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके, फिर आता है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। हम अपने घर में किस तरीके से हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन ऑन द ड्रेन। वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट, वेस्ट को कम करने और उसको हटाने के लिए, एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स, और जो पोल्यूटेंट मतलब वो चीज़ें जो पोल्यूशन काउज करती हैं उनको उनके सोर्सेज से, एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स, और जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको उनके स्रोत जहाँ से वो निकल रहे हैं, इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन। तो आप ये देखिएगा सबसे पहले कि आप क्या चीज़ कहाँ फेंक रहे हैं। ठीक है, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। जो कुकिंग ऑयल है मतलब जो तेल है या फिर जो फैट है, वो कभी भी ड्रेन नहीं करना चाहिए, पानी के साथ नहीं डालना चाहिए। दे कैन हार्डन ब्रोक द पाइप। वो क्या करते हैं, वो जम जाते हैं और वो पाइप जो होती है ना उसको क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लोक द सॉइल पोर्स, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर सो ऑयल्स एंड फैट्स इन द डस्टबिन। कहते हैं कि जो फैट और ऑयल होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, ठीक है ये तो सही है कि पाइप जो है उसको
हार्ड बना देंगे, मतलब ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। साथ साथ क्या करते हैं, जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं, मतलब अगर मिट्टी भी है पानी के अंदर तो उसके जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। फिर क्या होगा, वो सॉइल के पोर्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिए, तो जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में हमने जैसे सॉइल यूज़ की थी है ना, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वाटर का जो प्योरीफिकेशन है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, वो प्योरीफाई नहीं हो पाएगा ठीक से। तो जो ऑयल और फैट का जो वेस्ट होता है उसको कहाँ पर फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। केमिकल्स लाइक पेंट्स, जैसे कि पेंट्स है, सॉल्वेंट है, जैसे इंसेक्टिसाइड मतलब वो केमिकल्स जो इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ होते हैं, मोटर ऑयल है, मेडिसिन है, मे किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर। ये क्या करती हैं, उन चीज़ों को मतलब उन वो मेडिसिन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में हेल्प करते हैं और प्योरीफाई वाटर या फिर वाटर प्योरीफिकेशन में। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, तो उनको भी कहाँ ना डालें, ड्रेन में, मतलब वाटर में ना डालें। यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन सैनिटरी टॉवल्स एट्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। कि जो टी लीव्स है, मतलब अगर आप कैसी जो चाय पत्ती होती है वो, या कोई भी सॉलिड फूड है जो बच गया है, या कोई टॉयज़ वगैरह हैं, खिलौने हैं, कॉटन है, रुई है, या टावल हैं जो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। दीज वेस्ट चॉक द ड्रेन्स, ये भी क्या करते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं, सीवर होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को फ्लो नहीं करने देते। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और इससे क्या होते हैं, जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है, मतलब डिग्रेडेशन क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, मतलब वो चीज़ें जिनको डिग्रेड किया जा सकता है, तो डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस होती है ना उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सैनिटेशन एंड डिजीज। देखिए, पुअर सैनिटेशन एंड कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज। पुअर सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब है जो पानी अभी साफ़ हो रहा है, अगर वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं होता है तो, या फिर जो दूषित पानी है उसको पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री, हमारी खुद के देश की तरफ देख लीजिए, वास्ट नंबर ऑफ पीपल आर स्टिंग, बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज़, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सीवेज या सीवर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व, तो अगर उनके पास सीवर ही नहीं है तो फिर उनका जो वेस्ट है वो कैसे, मतलब लाइक कहाँ पे डालते होंगे। ए वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डेफिकेट्स इन द ओपन ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स एंड मैनी अ टाइम डायरेक्टली इन द वाटर। कहते हैं कि लोग क्या करते हैं ना, कि जब वेस्ट रिमूव करना होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओपन यानी कि खेतों के अंदर वेस्ट रिमूव करते हैं, या फिर ड्राई रिवर बेड्स, जो नदियाँ सूख गई हैं ठीक है वहाँ पर, या फिर जो रेल की जो पटरी होती है वहाँ पर, या फिर सेम वही, या ये क्या था, ओपन मतलब खुले में, और ये क्या है, फील्ड्स मतलब खेत में, मैनी टाइम डायरेक्टली इन द वाटर, कई बार क्या होता है डायरेक्ट पानी के अंदर वेस्ट रिमूव करते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैजार्ड, और ऐसे क्या होता है कि अनट्रीटेड मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब दैट मीन्स फीसिस, ठीक है, तो फीसिस जो हैं अगर उनको उनको ट्रीट ना किया जाए, मतलब एज ह्यूमस अगर उनका फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरा होते हैं। इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन, उससे क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एंड सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। बोथ द सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड गेट पोल्यूटेड, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस मतलब जो ऊपरी सतह पर प्रेजेंट है, और अंडरग्राउंड मतलब जो धरती के नीचे जो पानी प्रेजेंट है, वो दोनों क्या हो सकते हैं, उससे पोल्यूट हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूब वेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर 16। कहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है, हमारी ज़मीन के अंदर का जो पानी है, वही सोर्स है, वो स्रोत है, किस चीज़ के लिए भाई, कुएं के अंदर जो पानी आता है उसके लिए, ट्यूब वेल में जो पानी होता है उसके लिए, झरनों में जो पानी होता है उसके लिए, और रिवर में जो पानी होता है उसके लिए, उनका स्रोत है क्या, ग्राउंड वाटर। और ये आप किसके बारे में कहाँ पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 16 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज, और इसी वजह से ग्राउंड वाटर से सबसे ज़्यादा डिजीज होते हैं। क्यों,
देखिए ग्राउंड वाटर जो है वो फेसिस की वजह से ख़राब हो गया, ठीक है, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो था, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटर जो था उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो ख़राब हो गया। अब ग्राउंड वाटर ख़राब हो गया ना भाई, तो अब अगर ग्राउंड वाटर ख़राब हो गया, ग्राउंड वाटर कहाँ पर जा रहा है, ट्यूब वेल में भी जा रहा है, हमारा वेल में भी जा रहा है, और कहाँ पे स्प्रिंग्स में भी जा रहा है, झरनों में भी जा रहा है, रिवर में भी जा रहा है। तो अगर इतनी जगह पे वो पानी जा रहा है और वो पानी ख़राब पानी है तो उससे क्या होगा, वाटर बॉर्न डिजीज़। इसी वजह से जो पानी से होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारियाँ वो कहाँ से होती हैं, ग्राउंड वाटर से ही होती हैं। दे इंक्लूड कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंगिटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री, ये अलग अलग टाइप की जो बीमारियाँ हैं वो उसकी वजह से हो जाती हैं। ठीक है, कहना सिर्फ इतना चाहता है ये कि अगर सीवर सिस्टम नहीं होगा, मतलब जिन लोगों के पास अभी भी सीवर सिस्टम अवेलेबल नहीं है, वो अपना वेस्ट जो है वो ओपनली फील्ड्स में या फिर कहीं भी मतलब रिमूव कर देते हैं, उससे जो ग्राउंड वाटर है और जो अंडरग्राउंड वाटर है दोनों ही क्या हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, और इस यही लीड करता है क्या मोस्टली डिजीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, और ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।